नीदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादरे वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। चल झूठा। क्या हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय के नारे से परहेज करना सही है? हरगिज नहीं। मादरे वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? भारत माता की जय के नारे से आखिर मौलाना साजिद रशीदी को भय क्यों है? वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, बस कर गांडू, इबादत करते हैं। इस्लाम में तो ये है नहीं, इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। अबे साले, इस देश के कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, नहीं तो कोई भारत माता का अपमान करे, एक नहीं हम हजारों लाखों के शीश कतल करने का सामर्थ्य। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार, वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। ये तो होगा, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें। अच्छा, नेता लोग जो इफ्तार पार्टियां करते हैं उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, और अगर किसी वजह से जाना भी पड़ जाए तो अपना पानी और अपनी खजूर साथ लेके जाओ, इफ्तार उससे करो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई चीज हो, उसके खिलाफ कोई चीज हो, तो मैं पर आवाज उठाऊं, ये मेरा, मेरे देश के संविधान ने मुझे इजाजत दी है इसकी। तो भैया मौलाना साजिद रशीदी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, ये बंदा ऐसा है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। चावल ले आओ। हाँ हाँ लाओ। ये मत समझना कि खाना खाने के बाद मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। मतलब खाएंगे यहाँ, पियेंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ, मरेंगे यहाँ, लेकिन बदनामी भी भारत की करेंगे। यही तो कयामत है। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर है आजू काजमी जी, उन्होंने बुलाया हमारे हिंदुस्तानी एक जाहिल मौलाना को, तो मौलाना चाहे वो हिंदुस्तान को चाहे पाकिस्तान को, अगर जहालत ना दिखाए तो मजा कैसा। टॉपिक वीडियो स्टार्ट होते ही आप समझ जाएंगे, तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब, और सब लोग मौलाना सबको जानते हैं कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब के आ जा पाए, थैंक यू सो मच। मौलाना साहब, आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे कहलवाया जा रहा है कि भारत माता की जय। अब अगर मैं इसका मतलब समझूं तो ये तो मतलब एक तरह से मदरलैंड या वो कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है, तो कोई बुरी बात तो नहीं? आप इतने नाराज क्यों हैं इस बात के ऊपर? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने ये कहा है। देखिए, हमारे जो बिरादराने वतन है, हमारे हिंदू भाई, वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं। इस्लाम में तो ये है नहीं, इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। जहां तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है, और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना ये बिल्कुल अलग चीज है। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादरे वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को, तो मादरे वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। मैंने ये कहा है कि यह आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें, और हिंदू पेरेंट्स सॉरी मुस्लिम पेरेंट्स जो भी हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे इवेंट्स के मौके पर बच्चों को बताएं, सिखाएं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वो साफ मना कर दें, भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद कहें क्या दिक्कत है उसमें। मैं या कोई भी सनातनी अगर इस टाइप की कोई बात करे ना, तो हमको बोला जाता नफरत फैलाने वाले, एजेंडा चलाने वाले, समाज में फूट फैलाने वाले। लेकिन जय मौलाना टीवी के ऊपर बैठकर, पाकिस्तान के मीडिया में जाकर खुलेआम भारत के लोगों को धमकाता है, भारत के मुसलमानों को भड़काता है, देश में दंगे करवाना चाहता है, ऐसे भड़काऊ बयान देता है, जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस देश में तुम मर जाओगे, तुमको यही दफनाया जाएगा, यही जमीन तुम्हारे लिए खाने को अन्न उगाती है, यही जमीन से तुम्हें पीने को पानी मिलता है, यही जमीन से तुम्हें प्राणवायु मिलती है, और इसी जमीन को इनको माँ बोलने में दिक्कत होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। माँ की वंदना करने में इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। मतलब कितने बेशर्म लोग हैं यार, कितने कितनी कितने बेशर्मी ये मौलाना लोग, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। माँ हमें तो कोई फ्रा चलते पानी भी पिला देते ना, तो सब नतमस्तक होकर छुप जाता है, और ये जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हो या किसी भी दूसरी कंट्री में बैठा हो और वो थोड़ी बहुत उसको हिंदी समझ आती हो, तो भारत माता की जैसे तो उसको यही समझ आएगा कि कंट्री की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है। उसमें से एक नई चीज निकाल के जो आप लेकर आए हैं, वो गैर जरूरी नहीं लग रहा आपको कि आप बिना वजह में किसे कहते हैं कि इशू बना रहे हैं? इस पर जो है
ये कोई आज आज पहली मर्तबा इस पर बात नहीं हुई है, इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी है हिंदुस्तान में, इस पर और वंदे मातरम पर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, इस पर बहुत बात हो चुकी है। देखिए, जो आस्था के विरुद्ध चीज जाएगी, आस्था के खिलाफ जाएगी, उसके लिए बोला जाएगा। चूंकि मेरे देश का संविधान मुझे ये भी कहता है ना कि आप अपने धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकते हो आजादी के साथ, तो जो चीज मेरे आस्था के आड़े आएगी मैं उस पर एतराज करूंगा। इसमें तो कोई किसी को गलत लगने वाली बात है ही नहीं। लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं उनको हमेशा ही हमने ये देखा है कि कुछ ना कुछ शिकायत रहती है उनको, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट से हो चाहे जो बाकी रिलीजन है उनके साथ प्रॉब्लम रहे हमेशा। आपको लगता है कि क्या भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं? वैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते, या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते, तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? नहीं नहीं, देखिए दो बातें मिक्स कर दी आपने इसमें। एक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी एक हिंदू हैं, उनकी मर्जी है वो टोपी पहने ना पहने, उनकी मर्जी है वो इफ्तार पार्टी बुलाए ना बुलाए। पहले जो सरकारें थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने टोपी भी पहनी, इफ्तार पार्टी भी कराई। वो उनका अपना एक मत था कि भाई मुसलमान वोटरों को कैसे रिझाना है, मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ कैसे लाना है, वो उनका एक अपना फंडा था। इन्होंने पहले ही मना कर दिया हम नहीं करेंगे, तो हमें इस पर भी एतराज नहीं है। क्योंकि इफ्तार पार्टी में सिवाय गलत के अच्छा तो होता नहीं है भाई। सरकार का जो सूद वगैरह का पैसा होता है, टैक्स वगैरह का पैसा होता है, उससे आप अपने रोजे को खराब क्यों क्यों करने जाओगे? ये तो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, ऐसी पार्टियां नहीं होनी चाहिए। आदमी हलाल माल से रोजा रखे और जाके जो है गलत माल से इफ्तार कर ले तो वो तो ठीक नहीं है ना। यानी तो सरकार अच्छा का पैसा गलत पैसा है आपके ख्याल से? हिंदुस्तान की सरकार तो का पैसा हराम है? आप लोग मना करते थे, हम पहले भी मना करते थे कि सरकारों को या इस तरह के नेता लोग जो इफ्तार पार्टियां करते हैं उनकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी वजह से जाना भी पड़ जाए तो अपना पानी और अपनी खजूर साथ लेके जाओ, इफ्तार उससे करो ताकि रोजा तो बच जाए भाई। मतलब उनके 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 पैसे से जो इफ्तार का सामान रखा होगा आपके ख्याल से वो खाना हराम है मुसलमान? देखिए और नहीं तो क्या, इनको मुफ्त की मलाई चाहिए, लेकिन इस्लाम इस्लाम भी करना है और मुफ्त की मलाइयां भी चाटनी है। और ऐसी कोई इफ्तार पार्टी नहीं होगी जिसमें मौलाना सबसे पहले जाके ना टूटा हो, थाल के थाल बिरयानी के साथ भेज बदले रहे, लेकिन यहाँ बैठ के कितना बढ़िया बन रहा है। इससे बढ़िया तो इस संसार में कोई नहीं है। अपनी खजूर ले जाओ, अपनी पानी ले जाओ, वो भी भारत माँ की है, हमारे नहीं है। देखिए जब रोजा आदमी रखता है तो उसमें मुस्तहब ये भी है और सुन्नत ये भी है कि उस माल से इफ्तार करे जिस माल पर आपको पूरा यकीन हो कि ये हलाल माल है, ठीक है? अगर वो भी कुछ ना मिल पाए आपको तो पानी ले लीजिए, पानी सबके लिए हलाल है, पानी पी लीजिए और पानी के बाद में फिर खाइए जो कुछ आपको खाना है। जो हमारे बड़े उलामा हैं इन चीजों को मना करते हैं, वो पार्टी वार्टी में नहीं जाते, वो मना करते हैं कि भाई बचना चाहिए, कम से कम रोजे को बचा के रखो। रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं है। क्यों हम दिखाते फिरें किसी को कि भाई हम रोजे से हैं, हमारा रोजा इफ्तार कराओ, ये तो अलग चीज हो गई ना। दूसरी बात आपने कही कि शिकायत रहती है मुसलमानों को और क्या इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देखिए शिकायत नहीं है, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई चीज हो, उसके खिलाफ कोई चीज हो, तो मैं उस पर आवाज उठाऊं, ये मेरा मेरे देश के संविधान ने मुझे इजाजत दी है इसकी, तो मैं उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को कहता हूं। इस्लामिक स्टेट बनाने का जहां तक मामला है, देखिए आज हमारे हिंदू भाई चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार, वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। भाई एक हिंदू की जब आस्था ये हो सकती है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो मुसलमान भी ये सोच सकता है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, मुसलमान मुल्क बन जाए। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमान ने तलवार उठा ली कि लाओ सबकी गर्दनें काटूंगा फिर इसको जो है इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा। अरे वाह नमक हरामो, वाह नमक हरामो, वाह नमक हरामो। 1947 में तुमने इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे दो मुल्क ले लिए और आज नमक हरामी तुम्हारी जुबान से टपक रही है। जब धर्म के नाम पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता, पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क बन गया, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू मुल्क नहीं बनना चाहिए, इसको भी इस्लामी मुल्क बनाएंगे। लाना तुम जैसे लोगों, इस्लामिक स्टेट बनाने की सोचना ये संविधान के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए तलवार उठाना, उसके लिए किसी को नाहक कत्ल करना, ये इस्लाम के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। लेकिन मौलाना साहब आप जो पहले बात कर रहे थे कि अपना पानी साथ ले जाएं और या पानी पाक है, तो पानी भी तो आजकल खरीदा ही जाता है,
तो आपके ख्याल से जो 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 गवर्नमेंट दे रही, मतलब अगर आप किसी के अवतार में गए और आप वहां जाके गवर्नमेंट ने अगर अवतार पार्टी रखी है, फॉर एग्जांपल मोदी सरकार ने रखी है, वहां जाके आप कुछ खाए पिएंगे नहीं, ये या आप उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे कि जी आपका पैसा जो है वो जायज नहीं है, हम अपना पानी अपना खाना साथ लें? नहीं, बेइज्जती क्या है उसमें, दो खजूर जेब में डाल के लेके जाओ अपने पैसे की और चुपचाप से वो दो खजूर खा लो, उसमें बेइज्जती क्या है किसी की? कोई हम दिखाकर ऐलान करके थोड़े ही खा रहे हैं भाई, आपके पानी से आपके खजूर से इफ्तार नहीं करेंगे, बहुत सारे रास्ते हैं। मतलब आप नहीं करेंगे, मतलब आप नहीं करेंगे उनके पानी से, उनके सरकारी पैसे से? उलमा ये कहते हैं कि सरकारी पैसे को इस तरह से जो है इफ्तार के लिए कम से कम इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आए 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 मौलाना साहब, सरकारी पैसे से आज की जो सब्सिडियां लेते आए हो इतने सालों से, उससे भी बचना चाहिए था। यस, यू आर राइट। सरकार को जो अनाज आता है 5-5, 10-10 किलो, उससे भी बचना चाहिए था। इतनी हिपोक्रेसी लाते कहां से? कोई शर्म है, कोई हया है? बेशर्मो, कम से कम देश की तो बात कर लिया करो। इस्लाम 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 के घोड़े पे बैठे रहते हो हमेशा। पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे बांग्ला, ऑल ओवर वर्ल्ड का कहीं का भी मुसलमान हो, वो इस्लाम के घोड़े पे बैठा रहता भाई, उतरता ही नहीं है। वो घोड़ा इनको पेट्रोलों के बाद ले जाएगा। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके इनको राय दे सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।